इलेक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? अच्छी बात, पॉजिटिव बात ये है कि लोग घर से निकल के वोट कर रहे हैं, और जो डर और खौफ का माहौल टीएमसी ने बना रखा था, लोग उससे जो है अब निकल रहे हैं उससे। और बीजेपी इस बार हैट्रिक मार रही है, और पिछले दो बार से ज्यादा मतों से इस बार दार्जिलिंग सीट जीत करके हम लोग पार्टी ने सोच रखा था कि हम गुंडागर्दी करके भी ये सीट हम निकाल लेंगे, लेकिन पब्लिक उनके साथ नहीं है। चोपड़ा की दुखद घटना है, निंदनीय घटना है। पुलिस वाले जो लोग वोट करने जा रहे हैं उनको रोक रहे हैं सड़क पे, और उनके उनपे गोलियां चला रहे हैं। और इसी तरह कालिम्पोंग, उस दार्जिलिंग का क्षेत्र और कर्शंग में मैंने अपने आंखों से देखा, वहां पे कुछ जगहों पे जो हमारे पोलिंग एजेंट है उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको बता दिया जा रहा है। इस टाइप की घटना हो रही है, और इससे भी ज्यादा दुखद की बात यह है कि विनय तामंग जी का भी एक SMS या ट्वीट आया, जिसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है नेपाली भाषा में कि अब हमारा काम शुरू होगा और वोटिंग को 90% से ज्यादा लेना है। इसका अर्थ यह है कि अगले आधे घंटे पौने घंटे में जो जेन्युइन वोटर्स है उनका वोट कास्ट हो जाएगा, उसके बाद उनकी प्लानिंग है कि हम जो है बूथ कैप्चरिंग करके वोट पे कब्जा करें। और ये शिकायत मैंने DMC भी की है और इलेक्शन कमीशन को भी।